बहुत ज्यादा और प्यार करो, प्यार जितना आए उतना कम। ओके प्यार ही प्यार। थैंक यू थैंक यू हस्ती का बस्ती हस्ती का हस्ती अरे रोल वेल प्रियंका आफ्टर बिग बॉस आज हम आपको मिल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद क्या कुछ मिस किया है? मैंने मिस किया है आप सभी के खूबसूरत चेहरे, ये फ्रेश हवा, तो वहाँ से मैं ये सब छोड़ कर फाइनली मैं एक बाहर की दुनिया में आ गई हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये गाड़ी की आवाज़ें, ये हॉर्न, आप सब यहाँ पर देख कर नए नए चेहरे नए नए लोग, इट्स ऑल अमेजिंग। आप लोगों को क्या लगा मेरे एक्सप्रेशन के साथ में कि मेरे मन में क्या चल रहा है? आई वाज हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि विनर किसी एक ने ही होना था, तो वो तो जरूरी नहीं है कि वो मैं ही होती, बट हाँ आप लोगों ने सब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जीत भी सकती हूँ, मेरे लिए वो भी एक बहुत ही बड़ी बात है, खुशी की बात है। तो मुझे ये मेरी ज़िंदगी का फंडा है कि मैं मुझे जितना मिलता है मैं उतने में ही खुश रहती हूँ। मैं इतना ज़्यादा लालच नहीं रख सकती जितना आई थिंक किसी के नसीब से ज़्यादा, और वक्त से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो शायद मैं हमेशा उस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ। तो जब टाइम आएगा तो मिलेगा ना भी वक्त। यस मैम, मुझे भी पता चला कि अंकित थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। ऑफकोर्स होगा, कोई भी हम सब भी, अगर हमारा कोई फ्रेंड है किसी कंपटीशन में, हम चाहेंगे कि हमारा फ्रेंड जीते, राइट? अब उसने भी यही उम्मीदें लगाई थी एंड ही वॉज जैसे बाकी सब भी श्योर लग रहे थे कि प्रियंका ही जीतेगी, लेकिन फिर मैं नहीं जीती तो उसे बुरा लगा एंड ही गॉट इमोशनल, जो कि मेरे लिए भी एक शॉकिंग रिएक्शन था बिकॉज मैंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा है। एंड बट ठीक है, इट्स फाइन, ही इज गुड नाउ, ही इज हैप्पी नाउ बिकॉज आई एम हैप्पी। प्रियंका, जब हमने अर्चना से भी बात की तो उनका ये कहना था कि विनर अगर ऐसे खराब किए हैं, अगर सोते सोते ही गेम खेलना था तो ऐसे ही हम भी खेलते हैं, आपका इसके ऊपर क्या कहना? मेरा इस पर सिर्फ यही कहना, सी हर इंसान अलग होता है, अर्चना अलग तरह से सोचती है, मैं अलग तरह से सोचती हूँ, तो मेरा उसका सोचना मैं नहीं कह रही गलत है, लेकिन मेरा सोचना सिर्फ यही है जो मैंने पहले भी बोला कि देखो जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन जनता ने एमसी को भी बहुत प्यार दिया, तो हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। अगर मुझे इतना प्यार मिला तो शायद से हो सकता है कि आम जनता ने और ज़्यादा कनेक्ट किया एमसी से, ही वॉज सो रियल विदाउट एनी डाउट, तो शायद उसी प्यार ने उसे जिताया है, तो इट्स टोटली ओके। वेल जब आप बाहर आई तो सबसे ज़्यादा बिग बॉस के घर में किससे ज़्यादा कनेक्टेड थी और उनको ज़्यादा मिस कर रही थी, स्पेशली विद द एंथम स्टार्टिंग में जैसे ही मॉर्निंग होता था? स्पेशली मैं मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी बहुत मिस करती थी यार, मतलब जो मैं सोफ़ा पे बैठ के, क्योंकि बिग बॉस घर में ना पीसफुली बैठना बहुत मुश्किल था, तो वो एक टाइम मुझे मिलता था सुबह सुबह का जहाँ पर मैं सिर्फ सुबह बैठकर, एंड दैट एरिया वाज सो पीसफुल एंड नाइस एट दैट टाइम, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में सिर्फ अकेले मैं उठी हुई हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ, आई वाज लुकिंग एट द स्काई जो थोड़ा सा दिखता था वहाँ से, तो दैट वाज द बेस्ट टाइम, शायद मैं वही मिस करूँगी। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, हर वीकेंड के बाद में मुझे सिखाया जाता था तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि ज़्यादा आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं, कई बार दूसरों का पक्ष भी सुनना चाहिए, वैसे मैं सुनती थी लेकिन पता नहीं हो जाता था। प्रियंका, जहाँ तक बात करें ऑफर्स की, जितने बिग बॉस सीजन 16 के फिनालिस्ट थे सबको कुछ ना कुछ ऑफर दे दिया गया, तो आपका कुछ कंफर्मेशन देना चाहेंगे हमें? अभी मेरा कुछ कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकती क्योंकि जैसे आप लोग सुन रहे हैं मेरे पास भी सिर्फ बातें आ रही है, अभी तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं अभी इतनी जल्दी कोई कंफर्मेशन नहीं दूंगी, बट लेट्स सी, आई एम श्योर कुछ अच्छा ही होना है। शालिन बनोत की एक्टिंग पर आपने बहुत कुछ स्टंट कर रहा था घर के अंदर, वो एक्टिंग करते करते एकता कपूर का शो बेकाबू मिल चुका है, क्या कुछ कहना है आपका? इस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कंग्रेचुलेशंस शालिन बनोत, आपकी एक्टिंग काम कर गई है, घर बैठे बैठे आपको एक शो मिल गया, व्हाट एल्स। वेल शादी प्रियंका, हम देखते थे शालिन की जहाँ एक्टिंग की बात है, जब एक तरफ से वो इमोशनल अंदर आपके सबके सामने दिखाते थे और बाहर आने के बाद कैमरा पे वो हंसते रहते थे,
क्या आपने वो सभी एपिसोड देखे और कुछ मन में कुछ बातें आई है? यार मैं सच बताऊँ, मैंने ना तो एपिसोड देखे और आई थिंक अगर ऐसा किया भी है तो बिग बॉस घर के अंदर थे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप टिकोगे भी नहीं, कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हो ना, तो ठीक है। और मेरे लिए वो बातें वहाँ की वहीं ख़त्म हो गई है। एक जर्नी थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी मेरे लिए, जहाँ पर काफ़ी अप्स एंड डाउन आए थे, एक काफ़ी अच्छी जर्नी मैं जी कर आई हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार भी मिला है, लेकिन अब वो जर्नी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं भी अब आगे बढ़ना चाह रही हूँ और वो जर्नी वहाँ ख़त्म हो गई। सारे गिले शिकवे, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, सब का सब वही दरवाजे के साथ मेरे लिए बंद हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई जीतने का सोचता है, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और कोई चीज जो मुझे पता है कि अब मेरी है नहीं, उसको सोचकर मैं दुखी क्यों होऊंगी यार। मतलब जिंदगी एक ही मिली है, खुश रहो ना। अब वो मिली तो है नहीं, अब उसका गम बनाने बैठूं, रोऊं, बुरा फील करूं, दो दिन घर से बाहर ना निकलूं, क्यों? नहीं मिली तो नहीं मिली, कुछ और मिलेगा। तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिवली लेकर चलना चाहती हूँ, और जो मिल गया वो आपका, जो नहीं मिला वो कभी और किसी और पल पे, हाँ किसी और का। इसके बाद हम प्रियंका चौधरी को कहाँ देखने वाले हैं, कौन सा ऐसा नया रियलिटी शो में? मैं खुद वेट कर रही हूँ कि अब मैं कहाँ दिखने वाली हूँ आप सबको, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है, बट वो अगर अंकित के साथ अगर खतरों करने में